हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संगम स्वाद का मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चुकंदर के पत्तों की सब्जी या फिर कहिए साग। चुकंदर के फायदे तो हम सभी जानते हैं, मगर इसके पत्ते भी उतने ही फायदेमंद हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे खाने के बाद आप चुकंदर के पत्ते कभी फेंकेंगे नहीं और मार्केट से चुकंदर के साथ पत्ते भी लेके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाएं। तो सबसे पहले बीट रूट यानी चुकंदर के पत्तों को डंठल के साथ ही अलग कर लें। अब इसके डंठल को छोटा छोटा काट लेंगे। और पत्तों को भी हम बारीक बारीक ही काट लेंगे। पत्ते जब कट जाए तो इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब एक मीडियम साइज का आलू भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। आप इसे बिना आलू के भी बना सकते हैं। आलू देने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। छोटा छोटा आलू काटेंगे तो आलू जल्दी पक जाएंगे। तो अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां दें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। तो लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब एक मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज देंगे, एक हरी मिर्च देंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से चला लें और छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू भी इसी समय दे देंगे ताकि आलू भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट मीडियम आंच पर पकने दें। तो देखिए प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम यहाँ एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ देंगे, स्वादानुसार नमक देंगे और इसे अच्छे से चला लें। अब हम हमारे बारीक कटे हुए चुकंदर के पत्ते देंगे। इसे आलू और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे आराम से 4 से 5 मिनट पकने दें। तो देखिए 5 मिनट के बाद सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। पत्ते टमाटर दोनों बहुत अच्छे से गल गए हैं, आलू भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो आप चाहें तो इसे 1 मिनट ऐसे ही खुले में चला लें ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी सूख जाए और सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है। ये दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।